बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम इसको विज़िट करना है, अभी सेंटर पॉइंट विज़िट किया है, मैक्स विज़िट किया है, जरीर को विज़िट किया है, और अब हम जा रहे हैं हरम मार्केट में। ये आमतौर पे जो कपड़े वगैरह, जूते वगैरह बच्चों के, बड़ों के, और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको ख़रीदने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे ये हम आ गए, यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट बनी हुई है। यहाँ पे नीचे मुख्तलिफ़ किस्म की जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी अवेलेबल है, परफ्यूम्स वगैरह, कॉस्मेटिक्स का सामान, और ऊपर जो है वो बाकी शॉपिंग के लिए एरिया बनाया हुआ उन्होंने। काफ़ी अच्छी जगह है, और आपको ये सारा दिखाएं हम तो आपको नज़र आ जाएगा सारा के। और आप देखें मेरे पीछे तो ये वेंडिंग मशीन, यहाँ पे आप पैसे डालें तो आपको काफ़ी मिल जाएगी। कोशिश मेरी है कि मैक्सिमम मैं विज़िट करूँ अपने स्टे में जद्दा को, और इसकी जो अहम जगह है, स्पेशल प्लेसेस हैं, उनको विज़िट करूं। और अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं कि ऊपर कौन कौन सी अहम चीज़ है शॉपिंग के लिए, और उनके प्राइस क्या हैं। सुबह सुबह हम तैयार होके आ गए थे, अर्ली मॉर्निंग। ने एस्प्रेसो काफ़ी लिए यहाँ से, 5 रियाल की, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करें तो ये 400 रुपया बनता है। तो इतनी यहाँ पाकिस्तान में जो है ना वो छोड़ देते हैं नीचे। और ये आप देखें कि आलमोस्ट 1 या 2 सेप होगी, ये बताइए धोखा हो गया हमारे साथ, समझ नहीं आई मुझे। ये यहाँ वेंडिंग मशीन लगी हुई थी, उसमें हमने पैसे डाले और उसके बदले में हमें ये तोहफ़ा मिल गया। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है सऊदी अरब में आने के बाद। जो सबसे पहला धोखा हमने जो खाया है वो यही धोखा है कि 5 रियाल यानी 400 रुपये में हमें एक गूंद चाय मिली है, उसका पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। ये धोखा हो गया हमारे साथ पहला सऊदी अरब में, इसका रिज़ल्ट हम आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो मज़ीद इस तरह के धोखे देखने के लिए हमारे साथ जो है वो लगे रहिए, अटैच रहिए। थैंक यू।